गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा नवी में अपना चैप्टर चल रहा था दसवां गुरुत्वाकर्षण। कल आपको गुरुत्व त्वरण कैलकुलेट करके बताया था कि पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये होता है पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ज्यादातर 9.8 की जगह वो दे देता है 10। वो कैलकुलेशन की दृष्टि से दिया जाता है ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। बाकी एग्जैक्ट जो मान है गुरुत्व त्वरण का वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आज हम दो छोटे छोटे से टॉपिक की चर्चा करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ये छोटे छोटे से टॉपिक कौन से हैं? पहला है द्रव्यमान। आप सभी ने इसका नाम बार बार सुना है, कितनी ही बार सुना है। द्रव्यमान यानी कि मास, इंग्लिश में इसको कहते हैं मास। एम इसका संकेत होता है। कभी आपने सोचा है द्रव्यमान होता क्या है? जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक मार्कर है, पेन है, अब मैं कहूं इसका द्रव्यमान क्या है, तो इसको बनाने में कितना प्लास्टिक लगा हुआ है, उस प्लास्टिक की मात्रा को इस पेन का द्रव्यमान कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये जैकेट पहनी हुई है, इसका द्रव्यमान क्या होगा, इस जैकेट को बनाने में कितना कपड़ा लगा हुआ है, उस कपड़े की मात्रा को क्या कहते हैं, द्रव्यमान। लकड़ी की कोई टेबल या चेयर है, हम कहेंगे उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो लकड़ी की उस टेबल या चेयर को बनाने में कितनी लकड़ी लगी हुई है, उस लकड़ी की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। तो द्रव्यमान का मतलब होता है पदार्थ की मात्रा, जिस पदार्थ से वो वस्तु बनी हुई है। आई बात समझ में? तो क्या परिभाषा हुई द्रव्यमान की? किसी वस्तु को बनाने में लगे पदार्थ की मात्रा यानी कि क्वांटिटी उसका द्रव्यमान कहलाती है, आई बात समझ में? या आप ये कह सकते हो किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, द्रव्यमान को हम एम से दर्शाते हैं, संकेत इसका हो गया एम। क्योंकि द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं, मास का प्रथम अक्षर एम है, तो इसको एम से दर्शाया जाता है। इसकी इकाई क्या होती है? किलोग्राम। एम के एस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई होती है किलोग्राम। तो ये द्रव्यमान से संबंधित बातें हैं जो आपको बताई। दूसरा टॉपिक है भार। अक्सर हम द्रव्यमान को भार कह देते हैं, जो कि गलत है साइंस की दृष्टि से। भार एक्चुअल में एक बल है, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसको उसका भार कहा जाता है। ठीक है, तो भार एक्चुअल में क्या है? भार को कहते हैं वेट, तो इसको डब्लू से शो करते हैं। किसी वस्तु का भार वह बल है, किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है।
यानी कि वह बल जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है उसी को कहा जाता है भार। इसको W से शो करते हैं और सूत्र होता है W बराबर mg, अर्थात भार बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। भार बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण यानी कि W बराबर mg, ये इसका सूत्र होता है। और मात्रा क्या होता है? न्यूटन। क्योंकि आपको पहले बता चुके भार क्या है, एक बल है, और बल चाहे कोई सा भी हो बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, तो भार को न्यूटन में मापा जाता है। राइट, एक बात मैंने कल भी बताई थी कि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है अलग अलग ग्रहों का अलग अलग होता है, क्योंकि सभी ग्रहों का द्रव्यमान अलग अलग है। बृहस्पति जैसे लगभग 1300 पृथ्वियों के बराबर है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण लगभग हमसे 13 गुना होता है। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर डिपेंड करता है भार। एक ही वस्तु है, जैसे ये मार्कर है, इसको आप पृथ्वी पर तोलोगे तो इसका भार कुछ और होगा, चंद्रमा पर ज्ञात करोगे तो कुछ और होगा, बृहस्पति पर ज्ञात करोगे तो कुछ और होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना हो? तो आपको मैंने बताया था चंद्रमा पर ज्ञात करने के लिए 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको गुणा कर दो, तो 1/6 × 60 10 न्यूटन होगा। यानी कि जो वस्तु यहां पर 60 न्यूटन की है चंद्रमा पर जाकर कितने की हो जाएगी? 10 न्यूटन की हो जाएगी। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ध्यान दें। जैसे यहां पर एग्जांपल नंबर 10.4 दिया हुआ है, पेज नंबर 153। एक वस्तु का द्रव्यमान दस किलोग्राम है पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? इसी में मैं आपको चंद्रमा को बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले आपको द्रव्यमान दिया हुआ है तो उसको लिखिए, सोल्व कर रहे हैं इसे, हल m बराबर 10 किलोग्राम, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सूत्र लगाएं बाहर का, W बराबर mg, इसमें वैल्यू रखें तो W, m कितना है 10 और g है 9.8, यानी कि W बराबर आ गया आपका 980, एक अंक से पहले पॉइंट लग जाएगा, ये आ गया आपका 98 न्यूटन। इस वस्तु का पृथ्वी पर जो भार होगा 98 न्यूटन होगा। अगर जैसे इसका चंद्रमा पर निकला जाए
चंद्रमा पर भार, इसको ई लगा देता हूं मैं, अर्थ, ठीक है, चंद्रमा पर भार वही डब्ल्यू, एम लगा दो मून वही एम जी, इसी सूत्र या आप तो डायरेक्ट निकाल लो। आप जानते हो पृथ्वी से 1/6 भाग होता है चंद्रमा पर, तो 1/6 का तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा वेट इन मून 1/6 × 98, ठीक है, करो इसको हल, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 9 = 18, 49/3, 49 में 3 का भाग दो क्या आया, 3 × 3 एक बच गया, 3 × 6 = 18, 1 + 3 = 9, 3 × 3 = 9, यानी कि 16.33 न्यूटन के लगभग चंद्रमा पर होगा। तो इतना डिफरेंस होता है, किसी वस्तु को आप चंद्रमा पर लाकर तोलोगे, पृथ्वी पर लाकर तोलोगे, तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। चंद्रमा पर भार 1/6 गुना होता है किसका, पृथ्वी का, ठीक। इस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आप सोल्व करना घर पर। आगे देखो, एक चीज और देख लीजिए, वैसे तो ये गति के समीकरण हटा दिए गए हैं पिछले चैप्टर से, लेकिन यहाँ पर जो दसवां चैप्टर अपना चल रहा है इसमें भी काम में आते हैं ये कई जगह, तो हो सकता है इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इनके बारे में इनको डेरिवेट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट याद रखना है गति के समीकरण। गति के तीन समीकरण होते हैं, पहला v = u + at, दूसरा s = ut + 1/2 at² और तीसरा होता है v² = u² + 2as। ये तीन गति के समीकरण कहलाते हैं। आप कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है तो गति के समीकरण क्या होंगे, इन्हीं के आधार पर देखिए। जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है, वस्तु को जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे, जैसे ये पृथ्वी है अर्थ और ये कोई पिंड है जिसको ऊपर फेंका गया है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई है वो h है, गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की ओर कार्य करेगा, वस्तु को फेंका गया ऊपर की ओर, दोनों के अपोजिट दिशा है, तो यहां पर इन समीकरणों के अंदर एक ही जगह तो आ जाएगा माइनस का जी, जी इसलिए क्योंकि वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे आते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है, ठीक है, तो जी माइनस इसलिए लगाया है कि वस्तु जा रही है ऊपर, गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है नीचे, तो अपोजिट दिशा को दर्शा रहा है कौन, माइनस, विपरीत दिशा को। और क्या चेंज होगा, यहां पर जो एस आ रहा है एस की जगह आ जाएगा एच, ऊंचाई, तो ये मान जब इसके अंदर आप पुट करोगे, ठीक है, और एक चीज और याद रखना, जब वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो एक एक स्थिति ऐसी आएगी जब अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जीरो,
क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर वो वस्तु रुकेगी, रुकेगी तो अंतिम वेग हो जाएगा जीरो। तो इसमें ये तीन वैल्यू पुट कर दो, v इक्वल टू जीरो। तो इन तीनों समीकरणों में ये रखेंगे तो क्या जाएगा, देखो पहला समीकरण चलो इसको तो बाद में स्थिति के अनुसार रख लेंगे, ये दो मान इसमें पुट करो तो v इक्वल टू यू प्लस, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि एक की जगह हम माइनस जी रख रहे हैं, जी टी पहला समीकरण, एस की जगह आ जाएगा एच यू टी माइनस हाफ, ए की जगह क्या रख देंगे माइनस जी, तो जी टी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, यहां पर भी एक की जगह माइनस जी रखेंगे तो माइनस का टू जी एच। ये तीन समीकरण होंगे जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाता है, और जब ऊपर से नीचे आएगी, ऊपर से नीचे की ओर वस्तु गिरती है, तब गति के समीकरण क्या हो जाएंगे, या माइनस ए की जगह रख देंगे प्लस जी और एस की जगह रख देंगे एच, तो वही बन जाएगा आपका वी बराबर यू प्लस जी पी पहला समीकरण, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर दूसरा समीकरण, और बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच ये तीसरा समीकरण। तो ये तो है गति के मुख्य समीकरण जो हर स्थिति में मान्य है। ये तब समीकरण है जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तो जी की जगह माइनस जी रखना, ए की जगह माइनस जी रखना पड़ेगा, एस की जगह एच रखना पड़ेगा, और ये कब है जब वस्तु ऊपर से नीचे आती है। डायग्राम यो क्यों, बस ये एरो जो है ये नीचे क्यों हो जाएगा, तब कुछ भी नहीं है, बस ए की जगह जी आ जाएगा एस की जगह एच आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ, सारे टॉपिक मैंने अच्छे तरीके से करवा दिए, बीच बीच में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे वो भी मैंने सोल्व करवाए, इनको ध्यान से करना है देखना है, होमवर्क आपको अगले लेक्चर में सेंड कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।